वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा, आज हम डिसाइड किए कि हम पूड़ी बनाते हैं और सूखी आलू बनाते हैं। तो ये आलू का मसाला, ड्राई चाय और पूड़ी कर रहे हैं। एक साथ ही मुझे याद आया कि आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक मैंने आटा गूँथ लिया था, लोई बना ली है, कुछ बेल के रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं कर पाती, बेलना और फ्राई करना ये दोनों एक साथ नहीं हो पाता। सो दैट इज़ वाई व्हाट आई डू इज़ कि मैं थोड़ा बेल के रख लेती हूँ, फिर गैस को ऑफ करती हूँ। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि ऐसे बहुत बड़ी वाली कुक तो नहीं हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड कुकिंग। बस बच्चे हैं, फैमिली है, तो एज अ हॉबी बोलिए डेवलप किया है। और जीना है तो खाना है, और कुछ भी नहीं खाना है, थोड़ा अच्छा खाना है, तो उसके कारण। और आज का दिन भी बहुत भाग दौड़ वाला होने वाला है। सबसे पहले स्कूल जाना है, 9 बजे स्कूल पहुंचना है, और उसके बाद वहां से आके 11 बजे वेबिनार है। और आज कल तो मुझे वैक्सीन नहीं लगी, और आज मैंने बुक किया है, तो आज मैं जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए भी। तो आफ्टर लंच मैं वैक्सीनेशन के लिए जाऊंगी। तो आज ये सब है और शाम तक देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है मेरे बॉडी में। एंड बने रहिए, फिर आपसे शेयर करती हूँ। ये पूड़ी और ये सूखी आलू, ये अंशु आलू को काट रही है, बस इसमें करेंगे एंड चाय। सो दिस इज़ वॉट इज़ द नाश्ता फॉर टुडे। दूध मैंने बॉयल करके रख लिया है। सो फ्रेंड्स, ये वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। मैंने अपनी कार्ड और आधार कार्ड, सैनिटाइज़र, चश्मा सब कुछ रख लिया है, और अब हम चलते हैं वैक्सीन लेने और देखते हैं कि आज तो कम से कम मिल जाना चाहिए। तो लेट अस गो एंड ट्राई, देन आई विल मीट यू आफ्टर आई गेट इट। कि सो फ्रेंड्स, फाइनली वैक्सीनेशन हो गया, कंप्लीट वैक्सीनेशन इज डन। और ये शाम का समय है और बाहर बैठे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा है। नाउ फ्यूचर में बाद में कुछ होना है तो दैट आई डोंट नो, बट अभी तक सब कुछ बढ़िया है। और सोचा कि आपसे कुछ बातें कर लें। बच्चे थोड़ा बाहर निकले हैं, हस्बैंड आ गए हैं, चाय रखा है मैंने, एक चाय हम लोग पी चुके हैं। और शायद कोई नया रेस्टोरेंट आया है और बेटा शायद आज वहाँ से बर्गर लेके आएगा, तो बर्गर पैक करवा के लेके आएंगे। और दोनों बच्चे गए हुए हैं, सो देखती हूँ कैसा है बर्गर, कैसा बना रहा है, हाउ इट इज़, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा तो नहीं मिलता, बट स्टिल विल ट्राई एंड सी हाउ इट इज़। और क्योंकि अभी मेरी वैक्सीनेशन हुई है तो कुछ 4-5 days एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आई विल ट्राई कि जब तक बहुत अर्जेंट ना हो मैं ना जाऊँ घर से बाहर। सो दैट इज़ द केस फॉर टुडे। और अभी तो बर्गर आएगा, मैं दिखाऊँगी आपको, और फिर देखते हैं क्या करते हैं आज रात को, रात के डिनर में क्या करते हैं। सो देन आई विल शेयर इट विथ यू। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये केसेस कोविड के फिर से राइज होने लग गए हैं, और फ्रेंड्स वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। तो जब तक बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो घर से बाहर ना निकलें, और जिनको बहुत लाइक जिनको बाहर जाना है, जैसे द जेंट्स ऑफ द हाउस या जो वर्किंग पीपल हैं, बस वही जाएं और पूरा प्रिकॉशनरी मेजर लेके जाएं। हम भी जाते हैं स्कूल जब भी जाना होता है फॉर मीटिंग्स एंड ऑल, कुछ कुछ कभी कभी इम्पॉर्टेंट होता है, सो बट मास्किंग एंड सैनिटाइजिंग एंड ऑल दैट वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वी हैव टू, एंड दैट इज़ द ओनली ये बोल सकते हैं
सॉल्यूशन एट प्रेजेंट. वैक्सीनेशन तो ठीक है, वैक्सीन तो लगवाना ही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके बावजूद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी, वी कैन नॉट लीव आवरसेल्व्स लाइक दैट. तो ये करना ही करना है, और आप सब भी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें, बस यही दुआ है. ये रही सब्जी फ्रेंड्स, जो अभी लेके आया है बर्गर अलॉन्ग विद बर्गर, ये सारी सब्जी मैंने इसको धोना है अभी. थोड़ी गाजर है, अदरक एंड टमाटर को निकाल के धो के एंड देन आई हैव टू कीप इट. सो आज के वीडियो बस यहीं तक, और मैं एंड करती हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच. ये बर्गर फ्रेंड्स जो मैंने बोला था कि लेने गया है. सो पैकिंग तो बहुत अच्छे से करके दिया है आशुत. एंड दिस इज अनदर वन. और आशुत तो खा रहा है. हाउ इज इट? चलो चलिए खाएं. अनदर वन बी वेरी टेस्टी इट इज. जगह मिलती है और जो टाइम है उसके बहुत सारी प्रॉब्लम.